नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। अभी तक आप सभी को नोटिफिकेशन मिल चुका होगा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पूरे भारत में लागू हो चुका है। रूल्स फॉर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हैव फाइनली बीन नोटिफाइड बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री। व्हाट इंपैक्ट मे दिस डिसीजन हैव? प्रोसेस की कोई आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि दोनों सदनों से ये पास है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन चुका है और जैसे ही कानून बन जाता है तो वह लागू हो जाता है, उसके लिए फिर किसी दूसरे प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये इसको लागू मान। और यहाँ पर नोटिफिकेशन का ये पीडीएफ देख सकते हैं जो कि भारत का राजपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया और यहाँ पर रिलीज किया गया है 11 मार्च 2024 नई दिल्ली के तहत, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिसे हम कहते हैं गृह मंत्रालय। और इसमें बताऊंगा कि क्या क्या इसमें प्रोसेस है, किस तरीके से अप्लाई करने का और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और किस डेट से किस डेट तक आप अगर इसमें लाइक करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपसे बात करूंगा विपक्ष के बारे में, विपक्ष का यहाँ पर क्या कहना है। जैसा कि यहाँ पर आप टाइमिंग देख सकते हैं कि 11 मार्च 2024 को इसे अनाउंस किया गया है पूरे भारत में लागू करने का, जो कि हेडलाइन बनकर सुबह में आता है 12 मार्च को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पूरे भारत में लागू हो चुका है। लेकिन यहीं पर अगर हम देखें तो 11 मार्च 2024 को एक और न्यूज आती है जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर। अगर आपको इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है ये नहीं पता है तो ये वीडियो मैं इस पर बनाने वाला हूँ। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड पर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसके पास SBI के पास सारा डाटा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि SBI को कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप इसे आम आदमी पब्लिक तक इसे रिलीज कर दीजिए। हालांकि SBI का यहाँ पर कहना था कोर्ट में कि हम इसे जून में रिलीज करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगते हुए कहा गया कि 12 मार्च तक आपको इसे रिलीज कर देना है। तो यहाँ पर विपक्ष का ये कहना है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड की न्यूज बननी चाहिए थी, जो हेडलाइन बनना चाहिए था सुबह के 12 मार्च को, ये न बन करके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की हेडलाइन बन गई जो कि यहाँ पर 11 मार्च को लागू कर दिया गया अमित शाह जी के द्वारा नोटिफिकेशन देकर। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने मैप में कि जैसे मैं जूम कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको इंडिया देखने को मिलेगा जो कि अपना प्यारा भारत, और इसी से सटे हुए जो पड़ोसी देश है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भारत सरकार ने बात किया है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान। और यहाँ पर अगर मैं जूम करता हूँ तो यहाँ पर आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा। यहाँ के भी जितने भी इलीगल माइग्रेंट थे जो कि 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में माइग्रेट कर चुके हैं और उनके पास 10 साल से ऊपर भारत में रह रहे हैं, तीन सारे लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देने की बात की जा रही है। और यहाँ पर कंसर्न ये रेज होकर आता है क्यों ये सारी चीज़ें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारत में दी जा रही है, न कि मुस्लिमों को दी जा रही है, यहाँ पर हिंदुओं को दी जा रही है, जैनिज्म बुद्धिज्म एंड पारसी एंड क्रिश्चियनिज्म को दी जा रही है। हालांकि लेकिन यहाँ पर मुस्लिम इससे डिस्क्रिमिनेट है और इसी डिस्क्रिमिनेशन को देखते हुए यहाँ पर जो 2019 में जब ये नोटिफिकेशन आई थी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो यहाँ पर इसे लागू नहीं किया गया और कई सारी जगहों पर प्रदर्शन यानी प्रोटेस्ट हुए। जैसा कि आपने देखा होगा शाहीन बाग जो दिल्ली में उस समय कोविड का टाइम था, हालांकि जैसे जैसे पीक कोविड की पड़ी ये प्रोटेस्ट था ये भी डाउनफॉल होते रह गया। यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगर हम जूम करते हैं तो सिंध का इलाका रहा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो कि मार्क करके, यहाँ पर सिंध से जितने भी हिंदू मेजोरिटी काफी ज्यादा में थी। और यहाँ पर अगर आप बात करें, अगर आप जाकर गूगल पर सर्च करिएगा तो यहाँ पर करीब करीब 1% से कम लोग हिंदू मेजोरिटी यहाँ पर सिंध के इलाके में बची हुई है। यहाँ के लोग गए कहाँ, तो ये सारे माइग्रेट होकर भारत में आ चुके हैं। इन्हीं को संरक्षण देने के लिए यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और इसे लागू किया जा रहा है। यहाँ पर आइए देखते हैं अगर आपकी पूरी क्राइटेरिया फुलफिल हो चुकी है तो आप किस तरीके से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न्यू दिल्ली 11 मार्च 2024 का ये पूरा नोटिफिकेशन है और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से कौन से ऐसे बंदे हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि द एप्लीकेशन फ्रॉम अ पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन ऑफ फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया फुलफिलिंग द कंडीशन अंडर क्लॉज, यानी कि अगर आप इंडियन ओरिजिन है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और बी में कहा जा रहा है कि द पर्सन अगर कोई मेरिट कर चुका है भारत से और सिटीजन ऑफ सिप लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है। और थर्ड में बात की जा रही है कि एप्लीकेशन फ्रॉम ए पर्सन हुई इज अ माइनर चाइल्ड, यानी अगर आपका कोई बेटा है बेटी है अगर भारत में जन्म लेता है और 12 साल 10 साल 31 दिसंबर 2014 से पहले वो लाई करता है तो आप CAA के लिए लागू कर सकते हैं यानी अप्लाई कर सकते हैं। और 14 पे देख सकते हैं कि द एप्लीकेशन फ्रॉम अ पर्सन हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड है या फिर किसी तरीके से पैन कार्ड है, अगर आप रजिस्टर्ड है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ई की बात करें तो द एप्लीकेशन फ्रॉम अ पर्सन हु आर आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया
यानी आपका इंडिया से कहीं ना कहीं संबंधित होना चाहिए और यहाँ पर पूरी तरीके से भारत में रह रहे हैं। हालांकि यहाँ पर एक चीज और है, अगर आप भारत में रहे हैं तो पूरी 10 महीना फ्रिक्वेंटली आप भारत में रहे हैं तभी आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये जांच होती है तो आपका या तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर रिफ्यूजल कर दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, अगर पार्ट वन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर एक आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगानी होगी और ये शपथ पत्र भी है इसमें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नाम फिल करना होगा, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और यहाँ पर आपको पूरा मेंशन फुल नेम लिखना होगा और रेसिडेंट आप कहाँ से है, किस तहसील से है, जिले से है। ऐसे ऐसे पूरे स्टेप्स को आपको पढ़ते जाना है। जैसे कि दूसरे स्टेप में कह रहा है कि आपके पिता का पूरा नाम क्या है, और आपके तीसरे में कह रहा है माता जी का नाम, अगर वाइफ है तो क्या है, और डिटेल आप अभी कहाँ रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी देनी होगी। और आपके फैमिली मेंबर में रेसिडेंस इंडिया में कितने लोग रह रहे हैं, आपका छठवें में कह रहा है सेक्स क्या है, आप काम क्या करते हैं, और आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। अगर आपके पास कोई पासपोर्ट है जैसे कि अफगानिस्तान भारत या फिर पाकिस्तान एंड बांग्लादेश से, अगर आप वहाँ के सिटीजनशिप यानी गवर्नमेंट आपको इशू की हुई है पासपोर्ट, तो उस आधारित पर भी वो आपका वैलिड हो जाएगा। और 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर आप हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और डिटेल ऑफ एनी फैमिली मेंबर आप दे सकते हैं 10वें में, और 11वें में अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगर कोई है तो वो भी आप दे सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि आपका पूरा वेरिफिकेशन होगा तभी आपको इसमें दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर आप बढ़ते जाते हैं फॉर्म को भरते हुए, तो यहाँ पर आपको ओथ का एक मिलेगा, और आपको ओथ में जैसे कि सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, ये सारी चीज़ें आप देनी होगी। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या अटैच में आपको देना है, तो कॉपी ऑफ एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट शेड्यूल 1A और कॉपी ऑफ वन ऑफ द डॉक्यूमेंट शेड्यूल 1B, यानी कि एक एफिडेविट की यहाँ पर आप पूरी तरीके से निवासित है, और जो कि अगर आपका एक्सपायर हो चुका है या फिर वैलिड है, जो कि जैसा कि मैंने पासपोर्ट बताया कि अगर आप माइग्रेंट करके आए हुए हैं इन तीन देशों से, अगर आपके पास पासपोर्ट है या फिर वहाँ की कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपको लगाना होगा। और रेसिडेंशियल जैसे कि निवास प्रमाण पत्र बनता है, ये सारी चीज़ें इसमें अटैच करनी होगी। यहाँ पर पूरी जानकारी मैं आपको बता दिया। अगर इंग्लिश हिंदी की बात करूँ तो यहीं पर अगर आप स्क्रॉल करते हैं ऊपर, ये सारी चीज़ें आपको हिंदी में फॉर्म मिल जाएगा और यहाँ पर पूरी तरीके से इस फॉर्म को भरना रहेगा। अगर हम बात करते हैं विपक्ष के बारे में, तो विपक्ष का जैसा कि यहाँ पर क्या कहना है, जैसा कि यहाँ पर मैं सबसे पहले प्रेफर करूँगा अरविंद केजरीवाल और फिर ममता बनर्जी पर हम जाएंगे। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा यहाँ पर जो ट्वीट हुआ है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। 10 साल देश पर राज करने के बाद एन चुनाव के पहले मोदी सरकार CAA लेकर आई है। ऐसे वक्त जब गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई से कतरा रहा है और बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर दर ठोकरे खा रहा है, उन असली मुद्दों का समाधान करने की बजाय ये लोग CAA लाए हैं। कह रहे हैं कि तीन पड़ोसियों राज्यों के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, यानी ये पड़ोसी राज्यों के लोग को भारत में लाकर बसाना चाहते हैं। क्यों अपना वोट बैंक बनाने के लिए, जब हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो पड़ोसी राज्यों से आने वाले लोगों को रोजगार कौन देगा। हालांकि क्वेश्चन पूछना इनका जरूरी है कि रोजगार भारत में नहीं है इन लोगों से जो इलीगल माइग्रेट होकर आ चुके हैं, जब सिटीजनशिप अगर इनको मिल जाती है तो पूरी तरीके से हर एक योजना हर एक सरकारी नौकरी में ये भी दावा करने लगेंगे अपने और फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। उनके लिए घर कौन बनाएगा, क्या बीजेपी उनको रोजगार देगी, क्या बीजेपी उनके लिए घर बनाएगी। पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज़्यादा व्यापारी और उद्योगपति इनकी नीतियों और अत्याचारों से तंग आकर देश छोड़कर चले गए हैं। उन्हें वापस लाने की बजाय ये पड़ोसी देश के गरीबों को लाकर भारत में बसाना चाहते हैं। क्यों, सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए। पूरे देश CAA का विरोध करता है। पहले हमारे बच्चों को नौकरी दो, पहले हमारे लोगों को घर दो, फिर दूसरों देशों को लोगों को हमारे देश में लाना। पूरी दुनिया में हर दूसरे देशों के गरीबों को अपने देश में आने से रोकता है, क्योंकि इनसे स्थानीय लोगों के रोजगार कम होते हैं। बीजेपी शायद दुनिया का अकेली पार्टी है जो पड़ोसी देशों को गरीब को अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये गंदी राजनीति कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला होगा कि किस तरीके से इसमें अप्लाई करना है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होता क्या है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।